हुंडई वेन्यू को BS4 से BS6 कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें पेट्रोल में जब चेंजेस किए थे तो इसमें ना ही फीचर्स में चेंज हुआ, ना ही इंजन के कैपेसिटी पावर टॉर्क में कोई चेंजेस ना आए। सिर्फ चेंजेस हुए तो BS4 से BS6 नॉर्म्स में जो कन्वर्टर्स वगैरह ऐड किए गए वो उसमें लगाए गए। लेकिन जब हुंडई वेन्यू के डीजल इंजन में चेंजेस किए गए BS4 से BS6 में, तो इंजन में भी चेंज कर दिया गया। हुंडई वेन्यू डीजल इंजन पहले आता था 1.4 लीटर में, जिसको BS6 के साथ साथ ये 1.5 लीटर कर दिया गया। साथ में इसमें पावर एंड टॉर्क में भी चेंजेस आए हैं। पावर टॉर्क के बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। प्राइसेस में भी चेंजेस आए, 17,000 रुपए से लेके लगभग 50,000 रुपए तक एक्स शोरूम कॉस्ट इसका अलग अलग वेरिएंट्स में इंक्रीज किया गया। ये सारे प्राइसेस 1.5 लीटर हुंडई वेन्यू BS6 डीजल इंजन के आपके सामने हैं। आज के मैं अपने इस वीडियो में हुंडई वेन्यू के डीजल इंजन के बारे में ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हुंडई वेन्यू का 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको उसकी क्या पावर है, कितना टॉर्क है, क्या माइलेज निकल के आता है। फिर इस गाड़ी को हम लेकर चलेंगे टेस्ट ड्राइव पे और प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे कि इसके ये 1.5 लीटर में कितना है दम। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हुंडई वेन्यू का न्यू 1.5 लीटर का डीजल इंजन। दोस्तों ये है आपके सामने हुंडई वेन्यू का 1.5 लीटर का सीआरडीआई टेक्नोलॉजी बेस्ड ये इंजन, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है BS6 नॉर्म्स के साथ। ये इंजन जो है पहले से ज़्यादा इसको पावरफुल कर दिया गया है। पहले वाला इंजन हुंडई वेन्यू में आता था 1.4 लीटर का, जो कि 90 PS का पावर जनरेट करता था। ये जो इंजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ये है 1.5 लीटर। इसकी अगर हम इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें 1493 CC का इंजन कैपेसिटी वाला इस इंजन को कर दिया गया। 1.4 में आता था 1396 CC के इंजन कैपेसिटी। इसकी अगर हम और स्पेसिफिकेशंस डिटेल में बात करेंगे तो ये 100 PS का पावर जनरेट करता है। इसका जो टॉर्क है वो 24.5 kgm का है। इसका जो 1.4 लीटर का इंजन था उसका जो टॉर्क था वो 22.4 था, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो 24.5 kgm कर दिया गया है। यानी इसमें आपको मिलेगा बेहतर पावर एंड पिकअप। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके जो है माइलेज की, तो जो उसमें क्लेम किया जा रहा है वो है 23.3 किलोमीटर पर लीटर का। इसका इंजन ज़रूर बड़ा किया गया है, लेकिन जो पहले 1.4 लीटर का माइलेज क्लेम था वो 23.35 किलोमीटर पर लीटर का था, और इसका जो है वो 23.3 किलोमीटर का, यानी नाम मात्र को माइलेज चेंजेस इसमें आया है। ये अभी भी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में हुंडई वेन्यू डीजल में आएगी। एक नज़र मैं आपको अच्छे से इस गाड़ी के ये देखिए इंजन को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इस गाड़ी का न्यू BS6 1.5 लीटर का ये है डीजल इंजन। चलिए अब लेकर चलते हैं इस गाड़ी को ड्राइव पे और चेक करते हैं कितना है इसके इस 1.5 लीटर डीजल इंजन में दम। चलिए हुंडई वेन्यू 1.5 लीटर न्यू डीजल इंजन को लेके चलते हैं ड्राइव पे और चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। तो मैंने लगाया इसका फर्स्ट गियर और देखते हैं ये कितना तेज पिकअप लेती है। हाँ, इसका पिकअप अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसमें पावर भी पहले से ज़्यादा है। ये 90 PS के बदले अब 100 PS का पावर ये जनरेट कर रही है, और साथ में इसका टॉर्क भी पहले से ज़्यादा है। ये अब 24.5 kgm का इसमें टॉर्क मिलेगा, जो कि पहले आता था 22.4 kgm का टॉर्क। तो इस वजह से इस गाड़ी का पावर भी बढ़ गया है, और जब मैंने जैसे पहला गियर लगा के इस गाड़ी को उठाया तो फील भी हुआ इसके टॉर्क को, और इसने पिकअप बहुत तेज लिया। तो ये हुंडई वेन्यू में पहले से बेटर अब आपको पिकअप मिलेगा 1.5 लीटर के डीजल इंजन में। रही बात इसके NVH लेवल की, यानी नॉइज एंड वाइब्रेशंस की, तो जैसा कि मैं इसमें ड्राइव कर रहा हूँ मुझे कोई बहुत ज़्यादा डीजल इंजन के वाइब्रेशंस अंदर केबिन पे फील नहीं हो रहे हैं, ना ही इंजन की नॉइज भी केबिन में आ रही है। तो इसका NVH लेवल भी कम है। हालांकि हुंडई की आप और भी अगर डीजल इंजन को ड्राइव करेंगे तो उसके डीजल इंजन रिफाइंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा NVH लेवल डीजल इंजन पे नहीं मिलता है। तो ये आपको हुंडई वेन्यू का केबिन इसमें साइलेंट मिलेगा डीजल इंजन में। हुंडई वेन्यू के डीजल इंजन को 1.4 से 1.5 कर दिया गया, BS4 से BS6 हो गया। इसके बाद भी अगर हम माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले जो क्लेम था वो 23.35 किलोमीटर पर लीटर का था, अब जो क्लेम आ रहा है वो है 23.3 किलोमीटर का, यानी ऑलमोस्ट माइलेज आपको सेम मिलता है। प्रैक्टिकल माइलेज क्या गाड़ी दे रही है ये मैं ज़रूर अभी आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे गाड़ी माइलेज शो करती है कि वो प्रेजेंट में क्या माइलेज निकाल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी का प्रैक्टिकल माइलेज इस समय क्या निकल के आ रहा है।
ये वेन्यू के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख सकते हैं इस समय ये गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, तो अराउंड 19.3 का देखिए इस समय ये माइलेज शो कर रही है। ये जब मैंने गाड़ी को ड्राइविंग स्टार्ट करी थी उस वक्त मैंने इस रीडिंग को रीसेट कर दिया था, जिससे एक्चुअल माइलेज निकल के आया। मैं इस समय हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और मैंने किसी भी जगह पर अपनी गाड़ी की स्पीड को 100 क्रॉस नहीं किया। मैंने कहीं पर 20 की स्पीड रखी, कहीं पर 50, कहीं पर 80, कहीं पर 90, लेकिन मैं 100 क्रॉस नहीं किया। तो उसके साथ यहाँ पर ये माइलेज आप देख सकते हैं, मैंने गाड़ी के एसी को भी ऑन करके रखा हुआ है, तो ये जो माइलेज इस समय दिख रहा है ये ऑन हाईवे विद एसी 19.5 का देखिए माइलेज इस समय गाड़ी निकाल रही है। कंपनी क्लेम करती है 23.3 का, तो उसी के आसपास देखिए यहाँ पे ये रीडिंग्स आ रही हैं। यानी 1.5 लीटर डीजल इंजन में आपको ज़्यादा पावर पिकअप मिलता है, साथ में माइलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हुंडई वेन्यू के डीजल इंजन 1.5 लीटर के प्रैक्टिकल माइलेज को मैंने आपको दिखाया, 23.3 का कंपनी क्लेम करती है और हाईवे पे मैंने ड्राइव करी विद एसी और मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट 20 का माइलेज, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जैसा कि मैं इस गाड़ी को ड्राइव करते लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे इस 1.5 लीटर न्यू डीजल इंजन की, तो इसमें बढ़िया मुझे पावर पिकअप मिल रहा है। स्टीयरिंग भी जो है इस गाड़ी का स्मूथ है, स्टीयरिंग में हालांकि कोई चेंजेस नहीं किए गए, इसमें पहले भी मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग आता था, वही स्टीयरिंग आपको अभी इस वाली वेन्यू में भी मिलेगा। इसके अलावा गियर में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो गियर परफॉर्मेंस भी एज इट इज है, पहले भी स्मूथ थी अभी भी स्मूथ आपको मिलेगी। ओवरऑल एनवीएच लेवल की बात करेंगे तो अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, ना ही कोई मुझे किसी प्रकार की इंजन की नॉइज आ रही है। और अगर हम ओवरऑल हुंडई के डीजल इंजन की बात करेंगे तो हुंडई के डीजल इंजन में एनवीएच लेवल कम ही रहता है, तो हुंडई वेन्यू के 1.5 लीटर के न्यू डीजल इंजन में भी एनवीएच लेवल आपको कम मिलेगा। बाकी इंजन के अलावा हुंडई वेन्यू के किसी भी वेरिएंट्स में कोई भी फीचर चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ इंजन में चेंज आया 1.4 से 1.5 कर दिया गया, पहले से बेटर आपको पावर पिकअप मिल रहा है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है 70,000 रूपए से लेके 50,000 रूपए एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस, और साथ में ये BS6 इंजन भी है। हुंडई वेन्यू के मैंने बाकी सारे वेरिएंट्स के रिव्यूज कर चुका हूं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से वेरिएंट्स में कौन से फीचर्स आते हैं, तो मैंने सारे लिंक्स हुंडई वेन्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, आप उन लिंक्स को चेक करके उनके फीचर्स को जान सकते हैं। बस फर्क ये हो गया है कि पहले जो मैं रिव्यू किए थे उनमें जो है डीजल इंजन मैंने 1.4 की बात करी थी, जो कि अब 1.5 हो गया है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।